Good afternoon, my dear students and friends. Hi, this is Sudhir and welcomes you all on today's class. I am making this video for the students of 5th standard. So without wasting any time, let's begin with the topic. So dear students, today in this video, we will understand about the HCF and LCM. Okay, so dear students, first of all, we will understand about the highest common factor, that is HCF. So if you want to find the highest common factor, अगर आपको highest common factor find out करना है तो आपको क्या करना होगा? First of all, you need to understand the methods. So dear students, there are four methods to find out the highest common factor. There are four methods to find out the highest common factor. The first method is the factorization. Second method is the prime factorization. थर्ड वाली मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड और फोर्थ वाली है लॉन्ग डिवीजन मेथड. अभी सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझेंगे, ठीक है, HCF. तो मैं अब क्या करने वाला हूं, आज तीन नंबर्स लूंगा, ठीक है. टुडे आई विल टेक थ्री नंबर्स टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो चलो मेरे पास अब तीन नंबर्स है एंड नंबर थोड़े से बड़े रहते हैं ताकि प्रॉब्लम ना जाए. So, मेरे पास अब नंबर है 36, 48 और 60, ठीक है. 36, 48 और 60. मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. इस मेथड में क्या करते हैं, 36, 48 और 60 तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. एंड देन वी विल टेक द कॉमन फैक्टर्स. फिर हम लोग पकड़ेंगे कॉमन फैक्टर्स को और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पिक कर लेंगे. चलो देखते हैं कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 36. तो चलो 36 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. 36 इज डिविजिबल, 36 इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 बिकॉज वी नो दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू 1 इनटू 36, देन सेकंड इज 2 into, अब 2 के टेबल में भी आएगा ये, ठीक है, 2 के टेबल में भी आएगा बिकॉज 36 इवन नंबर है. अब कब आएगा ये, 18 के टेबल में आएगा क्या? 18 ones are 18, 18 twos are 36. अब ये 3 के टेबल में भी आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 के टेबल में आएगा बिकॉज 6 plus 3 is 9 और 9 3 के टेबल में आता है. दैट मीन्स द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय नंबर, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल. दैट मीन्स अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर कौन सा, 3 है, ठीक है, 3 के टेबल में आएगा. सो 3 ones are 3, 3 twos are 6, 12 threes are 36. ओके, अब 4 के टेबल में, 4 9s are 36. देन 5 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 6 के टेबल में आएगा क्या, 6 5 are 30, 6 6 are 36. आ गया, 6 के टेबल में आ गया, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स है 36 के, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है 36 के फैक्टर्स है. अब मैं 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा. चलो 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और 48. Now dear students, this 48 is also divisible by 2. But पहली pair बनेगी 1 into 48. Okay, first pair is 1 into 48. Then second is 2 into. Half of 48 is 24. Okay, 24 2 is 48. Then 8, 9, 10, 11. 3 के टेबल में भी आएगा. 3 के टेबल में आएगा. ठीक है? और कब आएगा? कब आएगा भाई? 12 के टेबल में आता. कब आएगा? 3 के टेबल में. 3 1 3, फिर 6, ये 16 16 3 is 48, ठीक है. 4 के टेबल में ये नहीं आ सकता है क्या? 4 10 is 40, यस. 12 4 is 48 आएगा. 12 4 is 48. देन 5 के टेबल में ये नहीं आएगा बिकॉज लास्ट में 0 नहीं है. 6 के टेबल में 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 48, yes, 6 8 is 48. 7 के टेबल में नहीं आएगा और 8 की पेयर ऑलरेडी लिख दिया हूं मैंने,
ठीक है. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 48. ये 48 का हो गया. अब हम लोग 60 का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 60. ओके, सो द फर्स्ट पेयर इज 1 into 60. 60 इज इक्वल नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. दैट मीन्स ये 2 के डबल भी आएगा, 2 के पेयर भी बनेगी. ओके, सो 2 into 30. देन 3 times 20. 20 times 60. देन 4 के डबल में आई आएगा, यस 4 के डबल में भी आई आएगा. 4 times 4, 2 इज लेफ्ट. 4 times 5 is 20. यस 15 times 4 is 60. ओके, 5 के डबल में भी आएगा. ओके, 5 के डबल में भी इसकी पेयर 5 के डबल में भी आएगा, बिकॉज 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. लास्ट में 0 है तो 5 के डबल में भी आएगा. ठीक है, तो 5 के डबल में कब आएगा? 5 times 12 is 60. यस 12 times 5 is 60. अब 6 के टेबल में यस ऑफकोर्स आएगा. 6 times 60. 7 के टेबल में ये 7 नहीं आता शायद, नहीं. 8 के टेबल में ये नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा. 8 times 40, 8 times 60, 8 times 64, 8 times 72 नहीं आता. 9 के टेबल में नहीं आता. तो हो गया, बस इतने फैक्टर्स हैं. तो अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स पिकअप कर लेंगे. ओके, नाउ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स है, और कॉमन फैक्टर इज, वेट अ मिनट. ओके, 1 इज कॉमन इन ऑल, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. फिर 2 है क्या? यस 2 इज ऑल्सो कॉमन. 3, यस वेरी गुड, 3 इज ऑल्सो कॉमन. 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. ठीक है, 3 भी कॉमन फैक्टर है. फिर 4 भी है. ओके, 4 इज ऑल्सो कॉमन. सॉरी, आज थोड़ा सा कौवे के जैसा आवाज आ रहा होगा, मुझे पता है, बिकॉज आई फॉरगॉट द ब्लूटूथ डिवाइस, वो घर में ही भूल गया मैं. 6 एंड एनीथिंग एल्स, और कुछ है क्या? 8 इज नॉट कॉमन, 9 इज नॉट कॉमन, 12 कॉमन है. यस 12 इज ऑल्सो कॉमन. और कुछ कॉमन है? 15 इज नॉट कॉमन. एनीथिंग एल्स? नो, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है. सो इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, सो वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स. अब चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसा. ठीक है, यू कैन राइट कॉमन फैक्टर. ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बट यू हैव टू राइट कॉमन फैक्टर्स. ओके, कॉमन फैक्टर इज 1, 2, 3, 4, 6, 12. ओके, और बस इतना ही है. 18 शायद हो सकता है. 18 क्यों नहीं आया? नहीं आता, 13 का कॉमन नहीं है. ओके, सो 12 इज ऑन द लेफ्ट. सो डियर स्टूडेंट, दिस 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, लेट मी चेक, इट इज सिल्वर चेक भी कर लेता हूं मैं. यस, इट इज 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फ्रॉम दिस कॉमन फैक्टर्स, इन सारे कॉमन फैक्टर्स में से 12 इज द हाईएस्ट वन. सो वी विल राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फैक्टराइजेशन मेथड. मुझे लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, देन यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, एंड फ्रॉम द कॉमन फैक्टर्स यू हैव टू पिक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब मैं यही क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा. लिसन डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, सेम 36, 48 एंड 60 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाते वक्त आपको एलसीएम भी बता दूंगा उसी में. ठीक है, तो भैया ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.
हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू वेलकम्स इन दिस क्लास। एंड अब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं वो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। येस एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग दिस मेथड वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ही मेथड में, एक ही बार में मैं सीधा बाउंड्री के बार मारने वाला हूँ, मीन्स HCF और LCM दोनों बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे पास दो ही नंबर्स है इस बार, तीन वाला भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 42 एंड अनदर वन इज 16। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्रेस दिस 40 एंड 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। तो मैं 42 को पहले पकड़ता हूँ। ठीक है, लेट्स पिक अप द 42। ओके, चलो 42 को लेते हैं। ओके ओके, सो नाउ यू कैन सी द 42 इज इवन नंबर। 42 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से पक्का डिवाइड होगा। चलो 2 को पकड़ लो। ओके, 2 तो यस, 21 2 is 42 होता है ना। ठीक है, अब 21 इवन नहीं है, दैट मीन्स अब 2 नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक 2। ओके, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, वी कैन नॉट टेक 2 एज अ डिवाइजर। अब इसको डिवाइड नहीं, 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट इट इज डिविजिबल बाय 3। लुक, 2 प्लस 1 इज 3। ओके, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर 21 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो वी विल टेक अ नेक्स्ट प्राइम नंबर। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू पिक द प्राइम नंबर्स बिकॉज द मेथड, नेम ऑफ द मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मुझे पता है कि ये 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 7 नहीं लेना है अभी, पहले आपको 3 ही लेना है। ठीक है, जब 3 के बाद हम लोग 5 लेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल टेक 5। पहले एक नंबर को फिनिश कर दो। ठीक है, जब नहीं होगा ऑप्शन, देन वी विल टेक द अनदर वन। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3, सो आई विल राइट 3। ओके, 3 7s are 21। Now 7 is a prime number, so it is divisible by only 7. ठीक है, 7. ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 42 को एज अ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करेंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, 42 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7। ठीक है, हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गई। नाउ द अनदर स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। ओके, so let's move towards the next topic. Okay, 60 is the even number, 60 even hai, so I will divide by 2, so 30 will come. 30 is again even, divide by 2, 15. Now 15 is not even number, we have to take another prime number, which is 3. Okay, 3 5s are 15. Haan, 5 se hota hai, mujhe pata hai, lekin agar aapne 5 liya to baad mein 3 aayega. तो 2 3 5 2 1 3 5 3 5 ऐसे बार बार चेंज होते जाएगा, सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो सीक्वेंस वाइज जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2, देन 3। इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन टेक अनदर 1, फिर 3 लेना। 3 से फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 5 लेना। 5 से फिर डिवाइड नहीं हो रहा है 7, 7 से नहीं हो रहा है 11, फिर 11 से नहीं हो रहा है 30, ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, सो नाउ 5, अब प्राइम आ गया 5, so we will take only 5 5 is 5. Okay, so 60 is equal to 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5. Okay, 2 × 2 × 3 × 5. Okay, अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गया, इतना तो मुझे पता है आप कर लोगे। अब ध्यान दो, नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमको HCF और LCM दोनों निकालना है। ठीक है, इसी में से निकालना है, यहीं से निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पहले बारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एक मिनट। ओके, हाँ, ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यू हैव टू पिक ओनली द ओनली
कॉमन प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट निकालेंगे. किसका प्रोडक्ट? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा. तो दोनों में कौन सा कॉमन है, चलो लो. टू मल्टीप्लाई बाय, देखो और कोई है क्या दूसरा, अनदर वन. यस, टू एंड थ्री बोथ आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. सो हियर वी विल फाइंड द टू, हियर वी व्हाट वी विल डू, हियर वी विल मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. टू इंटू थ्री, ओके. सो द आंसर इज सिक्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज सिक्स, ठीक है. क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिक्स आ गया. अब बात ये है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ध्यान दो आगे की ओर, एवरीबॉडी लुक फ्रंट. नाउ वी हैव टू फाइंड, ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. तो टू और टू कॉमन है, थ्री इज ऑल्सो कॉमन इन बोथ. सो आई विल राइट लाइक दिस, लुक हियर. टू इंटू थ्री आर द प्राइम, दीज आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो हो गए. अब क्या करेंगे, अब जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग इन द सेंस जितने भी नंबर बच गए हैं उसको भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, उसको भी ले लो. टेक एवरीथिंग, जितना भी है सबको ले लो, चलो लो. ओके, सेवन टू एंड फाइव. सेवन टू और फाइव कॉमन नहीं है तो फिर भी लेंगे, ठीक है. जितने भी गरीब लोग बच गए हैं उसको भी धर ले, उसको भी पकड़ लो, ठीक है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड थ्री विच इज कॉमन, वो तो हो गया. बट यू हैव टू पिक द नंबर विच इज नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, चलो लो. ओके, हियर इज सेवन, सेवन इंटू सेवन इंटू टू इंटू फाइव. ओके, सो हियर यू हैव टू फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट निकालना है, चलो. टू थ्री साइज सिक्स, सिक्स सेवन साइज 42. ओके, अब वेट वेट वेट, यस 42, 42 आ गया. देन 42 टूजा, 42 टूजा इज कितना आएगा, 42 टूजा 84. यस, 84 तो हो गया, 5 बच गया है, 5 इज लेफ्ट. सो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 84 एंड 5, उसको भी मल्टीप्लाई करो, पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. ओके, 84 इंटू 5 इज 5 प्लस 20 प्लस 0 420 आता है, ठीक है. एंड ये स्टूडेंट, दिस 420 इज द हाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 420. बहुत इजी है, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू हैव टू मल्टीप्लाई ओनली द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. एंड इफ यू आर फाइंडिंग द एलसीएम, गरीबों को भी उठा लो, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना. बट लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टू इज कॉमन, पहले कॉमन वालों को लेना. टू टू इज कॉमन तो एक ही बार लिखना, एक ही बार, ठीक है. थ्री एंड थ्री इज कॉमन, यू हैव राइट ओनली वन टाइम. ओके, अब दोनों है तो दोनों को ऐसा लिख मत देना, तो आंसर गलत हो जाएगा. दो देर इज टू, देखो कॉमन भी है, सबको एक साथ पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक द कॉमन फैक्टर्स, दैट मीन्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स. उसके बाद जो भी बचता है, वॉट एवर द नंबर इज, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू पिक दैट ऑल्सो. ओके, उसको भी ले लो एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स. जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई करो ही करो, जो बच गए हैं उसको भी ले लो, गरीबों को भी छोड़ने का नहीं. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इफ यू आर फाइंडिंग द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यू हैव टू पिक रेस्ट ऑफ द नंबर्स, उसको भी ले लो, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वही क्वेश्चन जो थ्री नंबर्स है. ओके, सपोज देर आर थ्री नंबर्स एंड यू वॉन्ट टू फाइंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री नंबर्स. अब हम लोग थ्री नंबर्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. हे गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैव थ्री नंबर्स 36, 48 एंड 60 एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द HCF एज वेल एज LCM ऑफ दीज थ्री नंबर्स. वॉट आई वॉन्ट, I want the highest common factor as well as LCM, which is the lowest common multiple of these three numbers using the prime factorization. So first of all, we will express 36, 48 and 60 as the product of prime factors. So let's do it. Okay, तो मैं 36 के पहले prime factors find out करता हूँ. तो 36 इज इवन, इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, 2 वन्स आर 2 एंड यस 18 टू आर 36. अब 18 फिर से इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, 9 टू आर इज 18. नाउ 9 इज नॉट ए इवन नंबर, सो आई विल टेक अनदर प्राइम नंबर व्हिच इज 3. 3 थ्रीज आर 9. अगेन आई विल टेक 3 1. ओके, सो 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए एंड दे आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. वी कैन राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके, 36 का हो गया. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर वन. कौन सा है लास्ट? नेक्स्ट वाला 48. नेक्स्ट वाला 48 है. चलो 48 इवन है. 2 24 अगेन इट इज इवन, फिर से इवन है. ठीक है, 2 1 2 फिर से इवन है, अगेन इवन हो गया. आ गया, यस आ गया. नाउ अब क्या करेंगे? 48 can be expressed as a product of 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Okay? Yes, 48 ka bhi prime factors ho gaya. Now we will find the prime factors of 60. Even number hai. Again even. Odd. Okay, so I got the prime factors of 16. That is 5 is a 15, 15 is a 30, 30 is a 60. Okay, 60 as a 2 into 2 into 3 into 5. हाँ ठीक है, तो मुझे तीनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं. आई गॉट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स. अब मुझे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है? यस, आई वॉन्ट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. मुझे अभी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. सो आई विल पिक ओनली द प्राइम फैक्टर विच इज कॉमन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पिक ओनली एंड ओनली प्राइम फैक्टर्स, ओनली दोज प्राइम फैक्टर्स विच आर कॉमन इन ऑल. जो तीनों में कॉमन है वही प्राइम नंबर्स को मैं उसी प्राइम फैक्टर्स को लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो चलो लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पिक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, दैट मीन ऑल दीज थ्री नंबर्स. सो 2 इज कॉमन इन ऑल. 2 इज कॉमन, यस. दिस 2 इज ऑल्सो कॉमन, ये वाला भी कॉमन है. देन 3 इज कॉमन, यस. 3 इज कॉमन, हो गया. ठीक है, हो गया. ओके, आई गॉट इट. चलो फिर मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, आई एम राइटिंग हियर. सो 2 टू
टू जा इज फोर, टू टू जा इज फोर, फोर थ्री जा इज ट्वेल्व, फोर थ्री जा इज ट्वेल्व. सो ट्वेल्व इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस थ्री नंबर्स. देखो कोई भी मेथड से करो यू विल गेट द ट्वेल्व एज ए एच सी एफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स. अब एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से. ठीक है, ये तो हो ही गया, तो इसको एलसीएम में ले ही लो. ओके, यू हैव टू पिक टू टू एंड थ्री फॉर द एलसीएम. ओके, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक द प्राइम फैक्टर्स विच इज कॉमन इन ऑल, जो तीनों में कॉमन है उसको सबसे पहले लेंगे. हो गया, तीनों का कॉमन तो हो गया. वी गॉट टू टू एंड थ्री. ओके, टू टू एंड थ्री आर कॉमन इन ऑल. अब हम लोग जो दोनों में कॉमन है, ध्यान से सुनो, किसी भी दो में कॉमन है वो ले सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे तीन नंबर्स है. ठीक है, जो दो में कॉमन है वो भी ले लो. कोई है क्या जो दोनों में कॉमन है, कोई ऐसा नंबर? सपोज यहाँ पे और एक थ्री होता और यहाँ पर भी थ्री होता, तो मैं दोनों को राउंड करके एक बार वहाँ थ्री लिख देता. ठीक है, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में से दो में कॉमन हो. ठीक है, तो कोई बात नहीं. अब जो दो में किसी में कॉमन है ही नहीं, इट्स ओके. सो नाउ पिक पिक ऑल द नंबर्स विच इज लेफ्ट, जितने भी बच गए सब गरीबों को पकड़ लो अब. ठीक है, थ्री टू टू एंड फाइव, पिक ऑल. थ्री इंटू टू इंटू टू, थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव. ओके, ठीक है, तो चलो करो मल्टीप्लाई अब. ठीक है, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा इज थर्टी सिक्स. ओके, ट्वेल्व थ्री जा इज थर्टी सिक्स, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स हो गया. और इधर में फाइव टू जा इज टेन, टेन प्लस टू इज सॉरी टेन इंटू टू इज ट्वेंटी. ओके, इधर ट्वेंटी आ गया. ओके, तो आपको थर्टी सिक्स को भी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करो, कंटिन्यूस प्रोडक्ट चाहिए हमको. सो when you will multiply the 36 with 20, you will get what you will get? 0. Then 6 to the is 12, 2 will be here, carry is 1, 3 to the is 6, plus 1, 7. हाँ, तो जब आप लोग तीनों पूरे के पूरे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, यू विल गेट 720. ओके, एंड द 720 इज द एलसीएम, यही एलसीएम है. ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ कॉमन डिविजन मेथड. अगले वीडियो में हम लोग कॉमन डिविजन मेथड पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं.